लेकिन हीरा क्या मुश्किल है मानी के साथ शूटिंग करना? लाइक आप लोगों ने कितने सारे सिटकॉम्स एक साथ किए। अरे अभी जाले असफर हम क्या सोच रहे थे जब हम इन सीढ़ियों पे चढ़े जब हम ऊपर आए तो हमने यहाँ पर हमने शो किया और हमें हर दिन डर लगता था कि शो कब बंद हो जाएगा, कब बंद हो जाएगा। हमें ये होता था कि अब हमारे पैसे खत्म, कैसे कैसे राज फाश कर रहे हैं। तकरीबन 12-13 नहीं 9 साल पहले की बात है, मैं ज्यादा आगे कर रहा हूं। 10 साल पहले क्योंकि हम तो हमारे शो के बाद हमने शो किया था यहाँ पे। 10 साल पहले की बात है, 10 नहीं रहा, 9 साल। हाँ, 9 साल कर लो तो 9 साल पहले हम इतने इनसिक्योर थे अपनी लाइफ में, इतना अनस्टेबल थे। लेकिन मुझे एक बहुत और ऐसी एक सवाल पूछता है बट कोई शेयर नहीं करता। लेकिन बट हीरा मुझे और ऐसी बताए, आप लोगों को जब शो आता था वो एक काफी ज्यादा एकदम से कंट्रोवर्शियल शो हो गया था। अच्छा, यू आई थिंक यू गाइस वर बीइंग टू ऑनेस्ट। एक तो बात ही रही कि क्या उससे इंडस्ट्री में नुकसान पहुंचा लग रहा है? लेकिन नहीं, उससे पहले जो है ना वो मैं मेरे शो से मानी सेज मानी इज्म असफर मानी शो, असफर मानी शो, तो वो असफर मानी शो में बड़ा कंफ्यूजन होती थी असफर और असफर। हां ये भी होता था। उससे जो हुआ कि एक हुआ लोगों ने फिर बाद में बदले लिए, 2-4 साल ऐसे गुजरे हमारे, लेकिन फिर हमने भी कहा कि हमारा टैलेंट है बॉस, आगे हम टैलेंट पे खड़े हुए हैं बॉस। बिल्कुल सही बात है, रुकेगा नहीं। ये चीज ऑनेस्टी जो है वो अच्छी चीज होती है, आपको कह देना चाहिए, बल्कि अब वो दौर आ गया है जब आपको कह ही देना चाहिए। नहीं, वैसे हमने चेंज किया अपने आप को, बिल्कुल सही। जब ये दौर नहीं था तो हम तो सब कुछ कह देते थे। हमें पता है कि अब हमें सारे एक्टर सब कुछ बोल देते ना, और मेरा मानी बिल्कुल चुप। हम लोग देखते हैं क्या है, हम कहते हैं यार वो भी अच्छी, वो भी अच्छा, अरे वो तो बहुत ही अच्छा। बीन देयर डन दैट। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात ही करूँगा कि मेरी जो जनरेशन है, जो हमारी जाले, आई थिंक मानी एंड असफर शो और जो सबसे अटे था ना, उसकी वजह से हमारे अंदर एक उमंग जागी थी कि यार लेट्स जॉइन टीवी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मानी की वजह से, देख देख के मानी की वजह से वाकई में लगता था कि हम भी टीवी पे आ सकते हैं। मानी बेसिकली था ही वही, मैसेज से कनेक्ट करता था, तो हर लड़का जो घर में होता था वो कहता था मैं भी। लोग अक्सर कमेंट करते हैं भाई जब ये आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं, तो ये वो एक ड्राइंग रूम में जो नहीं होता कि आप देखते हैं और आप बस, मुझे ज्यादातर लोग वैसे बुलाते हैं मानी 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 भाई। हाँ, मुझे अच्छा लगता है कैसे मानी भाई, मानी भाई कैसे हैं आप। अब जैसे मानी के साथ जब मैं टीवी मानी को देख रही होती थी, अब मानी की फैन तो अभी भी हूँ, तब भी थी, तो मैं खाना खाने में लगता था यार ये बिल्कुल ही मेरे कोई खाला का कजन है यार, ये बिल्कुल मेरा कोई दूर का बिछड़ा हुआ कुछ है, रिश्तेदार है। हाँ, ये लेकिन मुझे जो चीज याद है, मैं जब मानी की शादी पे गया था, याद है अश्विन तुमने पहली बार मेरा इंटरव्यू लिया था वुमन जोन के लिए? हाँ, मुझे याद है, याद है ना, बिल्कुल मुझे याद है कि वो तुमने इंटरव्यू मेरे लिया था और हम कहीं फेज 2 में मैं आया था डिफेंस में, मुझे याद है कि वो ऑफिस था अंदर की तरफ, एग्जैक्टली वहां पे मैं पहली बार था। यस यस, वही ऑफिस था जब अश्विन आपने कितने घर बसाया, भूल गए लगता है कि उसकी वजह से मेरा घर बसा है। अच्छा करते हैं तो अच्छा होता भी है, नहीं मतलब जाहिर सी बात है, मैं तो कहती हूँ कोई फॉर्मूला ऑफ सक्सेस नहीं है। नहीं, इनफैक्ट आप जितने ओरिजिनल होंगे, ट्रू टू योरसेल्फ होंगे, जो आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, That goes. बट आपको टाइम के साथ साथ बदलना भी चाहिए, जैसे अभी आपने कहा कि वो एक जमाना था जब मैं ऑनेस्ट था और अब एक जमाना है कि अब मुझमें थोड़ा ठहराव आ गया है। ये कि मुझे लगता है मैं अभी जब नए लोगों को देखता हूँ कि जब वो एक दूसरे को, यार मतलब एक दूसरे को तो बैश ना करो ना। हाँ, बिल्कुल हो गया, वो टाइम था, वो चला गया, शुक्र है। जब यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था, ट्विटर तो था ही नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, नहीं तो मानी क्या था, मानी इंस्टाग्राम का वो सारे इंस्टाग्राम पेजेस था, जैसे गैलेक्सी लॉलीवुड, मानी था गैलेक्सी लॉलीवुड भाई। अब जो गैलेक्सी लॉलीवुड में करते हैं लोग बैठ के, ये सब मानी कर चुका है, करता था, जीता जागता, जीता जागता।